पंजाब हिमाचल सीमा पर नशे का कारोबार करने वाले तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब पुलिस नाके पर महिला कांस्टेबल को भी घायल कर गाड़ी भगा कर ले गए हैं। पंजाब की तरफ से आ रही गाड़ी को जब पुलिस पार्टी ने नाके पर रोकने की कोशिश की तो गाड़ी चालक गाड़ी तेज रफ्तार से भगा कर ले गया और महिला कांस्टेबल को भी घायल करके मांजरी गांव की तरफ भाग गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पंजाब हिमाचल सीमा पर सटा मांजरी गांव नशे के कारोबार के लिए जाना जाता है और यहां पर शराब अफीम के अलावा चिट्टा और नशे के कैप्सूलों का कारोबार होता है। हिमाचल और पंजाब पुलिस समय समय पर यहाँ पर नाकाबंदी करके इन तस्करों पर शिकंजा कसती है और कई बार बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाता है, लेकिन ये नशे के कारोबारी अब पुलिस पार्टी पर ही हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। डीएसपी नैना देवी पूर्णचंद ने बताया कि पंजाब की तरफ से आ रहे नशा तस्कर जो नाके पर तेज रफ्तार से महिला कर्मी को टक्कर मारकर भाग गया, महिला पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुझे 4:15 बजे के आसपास ढेर अपने जो मजारी गांव जो थाना कोट कलूर के अंतर्गत आता है वहां पर टीम नाकाबंदी पर थी तो ढेर की तरफ से जो ढेर पंजाब में पड़ता है ढेर जिसको बोलते हैं उस तरफ से एक गाड़ी गांव मजारी की तरफ आई और उसमें उसको जब रुकने का इशारा किया तो उसमें से जो ड्राइवर था ड्राइवर ने उस गाड़ी को बड़ी तेज़ रफ्तारी से वहां से ले गया और उसमें हमारी एक लेडी कांस्टेबल जो महिला रक्षी थी अनीता देवी उसको चोटें आई और जो ड्राइवर था वो मौके से अपनी गाड़ी को लेकर फरार हो गया था। जो हमारी महिला आरक्षी है उसका मेडिकल करवाया गया है और मामला दर्ज उस गाड़ी का जो चालक है उसके खिलाफ दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।